कोरोना काल में 12वीं की परीक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग खत्म। दिल्ली को छोड़ सभी राज्य परीक्षा कराने के लिए तैयार। 30 मई को होगा अंतिम फैसला। सीबीएसई जून में परीक्षा कराने को तैयार। प्रियंका गांधी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने का विरोध किया। कहा सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा जरूरी। बंद कमरे में एग्जाम लेने से फैलेगा कोरोना। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां। सीएम केजरीवाल बोले जून में शुरू हो सकती है अनलॉक की प्रक्रिया। देश में लगातार कम हो रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 2,40,000 नए मरीज सामने आए। 3,741 लोगों की मौत। अब तक 19,50,00,000 वैक्सीन की डोज लगी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में 1,649 नए मामले सामने आए। 179 मरीजों की मौत। संक्रमण की दर घटकर 2.5% से भी कम हुई। दिल्ली में वैक्सीन खत्म होने की वजह से आज भी 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन दिलाने की मांग की। यूपी में रोज सामने आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 से नीचे पहुंची। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,800 नए मामले आए सामने। एक दिन में रिकॉर्ड 3,17,000 लोगों की हुई जांच। टीकाकरण अभियान पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। 1 जून से पूरे यूपी में लगेगा 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका। अभी तक सिर्फ 18 जिलों में ही लग रही है 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन। यूपी में कोरोना के मामले कम होने के बावजूद जारी रहेंगी पाबंदियां। कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बुंदेलखंड दौरा। झांसी और बांदा में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। में कोरोना के 26,133 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में 682 लोगों की मौत। मुंबई में आज टीकाकरण बंद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के थप्पड़बाज डीएम पर गिरी गाज। सीएम भूपेश बघेल ने तत्काल प्रभाव से डीएम रणबीर शर्मा को हटाया। वैक्सीन लेने जा रहे युवक को डीएम ने थप्पड़ मारा था। चौतरफा आलोचना के बाद सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने माफी मांगी। बोले मैं अपने किए पर शर्मिंदा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन प्रमाण पत्र को लेकर बवाल। सर्टिफिकेट में पीएम की फोटो हटाकर सीएम भूपेश बघेल की लगाई गई तस्वीर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए राज्य सरकार ने खरीदी है वैक्सीन, इसीलिए सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री की तस्वीर। पटना में इंजीनियरिंग की छात्रा आकांक्षा ने पिता के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की मेडिकल जांच करने वाला रोबोट बनाया। ये रोबोट कई तरह की जांच करने में सक्षम। दवाइयां और खाना भी पहुंचा सकता है। हत्या के केस में रेसलर सुशील कुमार गिरफ्तार। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में साथी अजय के साथ दिल्ली के मुंडका से हुई गिरफ्तारी। यूपी के अयोध्या में दिल दहलाने वाली वारदात। भांजे ने संपत्ति के लालच में मामा मामी और उनके 3 बच्चों की गला रेतकर हत्या की। आरोपी फरार। 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकराएगा यास तूफान। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में 24 मई तक चक्रवात बनने का अनुमान जताया। पीएम मोदी ने तैयारियों की समीक्षा की। जर्मनी में लंबे लॉकडाउन के बाद खुले नाइट क्लब। ग्राहकों के स्वागत के लिए रखी गई वेलकम पार्टी।